Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will continue grammar lesson number 16 subject verb agreement page number 67 from your textbook. The subject of a sentence is who or what the sentence is about. A subject that refers to one person, place, thing or idea is singular in number. A subject that refers to more than one is plural in number. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये लेसन सिंगुलर प्लूरल के बारे में है. तो सिंगुलर यानी वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग और वन आइडिया, उसे हम सिंगुलर कहेंगे. एंड सब्जेक्ट दैट रिफर्स टू मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा हो तो वो प्लूरल फॉर्म में काउंट होगा. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स ट्रैवल प्लूरल फॉर्म, चीटी एंड पोस्ट आर फ्रेंड्स प्लूरल फॉर्म, Chitti loves dancing, singular form. Does grandma sing, singular subject. देखो यहाँ पे singular subject और plural subject है. Friends travels यानी एक friend नहीं है, बहुत सारे हैं तो plural form में आएगा. Post and Chitti यहाँ पे अलग अलग name है पर है तो दो इंसान, one एक से ज़्यादा, more than one, so plural form आएगा. Chitti loves dancing यहाँ पे Chitti अकेला ही है तो यहाँ पे आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट. डस ग्रैंडमा सिंग यहाँ पे ग्रैंडमा के बारे में बात हो रही है तो वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा. नाउ एक्सरसाइज ए रीड द सेंटेंस बिलो एंड अंडरलाइन द सब्जेक्ट. राइट पी इन द बॉक्स इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल एंड एस इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर. नंबर वन दिस फ्लावर्स आर प्लक्ड फ्रॉम आर गार्डन तो क्या आएगा प्लूरल सब्जेक्ट. Our garden has many varieties of daisies, roses and zinnias. Plural subject. तो आपको box में पे लिखना है. The roses and zinnias grow best in early summer. तो ये भी plural subject ही हुआ. Number four, my grandma take care of garden. ये भी plural subject है. They enter many competitions. तो this is also a plural subject. I spend a lot of time in the garden. तो ये है सिंगुलर सब्जेक्ट. नाउ वर्ब कैन बी सिंगुलर और प्लूरल टू. फॉर एग्जाम्पल देखो वर्ब्स भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं. ओके फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर में आएगा रन्स, वॉक्स, डांसेस, इज, वॉज, हैज, डज. प्लूरल फॉर्म में रन, वॉक, थिंक, आर, वर, हैव, डू. सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब्स. It is important that a verb should agree in numbers with its subject. Let us see some example. Singular subject agrees with a singular verb. Grandma is the leader. Mac fly. Singular subject आप लेते हो तो आपको singular verb भी लेना है. अगर आप plural subject लेते हो तो आपको plural verb भी लेना है. और आपको देखना है कि वो agree होता है या नहीं. वो number जो आप लेते हो वो agree होता है या नहीं. प्लूरल सब्जेक्ट एग्रीज विथ अ प्लूरल वर्ब. माई डॉग्स लव गोइंग फॉर वॉक्स. ग्रैंडमा एंड फ्रेंड्स ट्रैवल्स थ्रू स्पेस. नोटिस हाउ दैट सब्जेक्ट एग्री विद द वर्ब बी एंड डांस. देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एग्री होना चाहिए तो वो एग्री करने के लिए हम क्या देखेंगे, अब एक टेबल देखेंगे. सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद द वर्ब बी एंड सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद द वर्ब डांस. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Subject agreement with the verb dance. I dance, you dance, he, she, it dance, we dance, you dance, they dance. Word like each, one, everyone, no one, nothing, everything, anything are special subject. For example, each of them is special. Everyone is present today. Exercise B. Read the following sentence. Take the correct verb so that the subject and verb agree with each other. Mac is asking question. तो आपको is पे टिक करना है. Is the teacher in his office? आपको is पे ही टिक करना है. Everyone is dancing to the same song.
यहाँ पे भी इसको करना है. आर यू रीडिंग दिस बुक क्वेश्चन मार्क. इज यू रीडिंग बुक आएगा नहीं, तो हमें आर पर टिक करना है. टॉम इज चेजिंग जेरी अराउंड द हाउस. टॉम आर तो नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल फॉर्म नहीं है. सो टॉम इज जेरी इज चेसिंग जेरी अराउंड द हाउस. नंबर सिक्स, द एस्ट्रोनट्स आर वेविंग एट अस. नंबर सेवन, आई एम राइटिंग ए स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स. नंबर एट, अलादीन रब्स द लैम्प एंड द जीनी अपीयर्स. नाउ एक्सरसाइज सी, रीड द पैसेज, आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द वर्ब दैट डोंट मैच देयर सब्जेक्ट. देन राइट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. पहले मैं पूरा जो क्वेश्चन है ये पूरा वो मैं रीड करूँगी. ओके, अगाथा आर फीलिंग लोनली. हर एल्डर सिस्टर मैगी आर पॉपुलर बिकॉज शी राइट स्टोरीज एंड प्लेस. वन डे अगाथा फॉल इल. हर मदर ब्रिंग हर अ नोटबुक. मदर आस्क हर टू राइट. अगाथा बिगिंस टू राइट मिस्ट्रीज. अगाथा ग्रो अप टू बी द फेमस मिस्ट्री राइटर अगाथा क्रिस्टी. अब आपको ये जो यहाँ पे जो मैच नहीं कर रहे वर्ब्स सब्जेक्ट के साथ उसको चेंज करना है. तो हम लिखते हैं अगाथा इज फॉलिंग लोनली. अगाथा इज फीलिंग लोनली. हर एल्डर सिस्टर मैगी इज पॉपुलर बिकॉज शी राइट स्टोरीज एंड प्लेस. वन डे शी फॉल इल. हर मदर ब्रिंग्स हर अ नोटबुक. मदर आस्क हर टू राइट. She began to write mysteries. She grew up to be the famous mystery writer. Agatha Christie. So, ये था हमारा lesson number 16, subject verb agreement. अगर आपको नहीं आता, नहीं समझ में आया, तो आपको मुझे स्कूल के ग्रुप में फ़ोन करना है, स्कूल के फ़ोन में फ़ोन करना है, या तो फिर स्कूल के ग्रुप में मैसेज करना है. So thank you children, have a great day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.